गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा, अर्थात एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक AMU जो होता है बच्चों, वो 1/N के बराबर होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों एन जो हैं वो गाद्रो संख्या है। ठीक है बच्चों, एन क्या है, वो गाद्रो संख्या है। एन की जो वैल्यू होती है 6.023 × 10³ होती है बच्चों। तो एक AMU कितना हो जाएगा, 1/6.023 × 10³। ठीक है बच्चों, और यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6.023 × 10⁻²। ठीक है बच्चों, अब जो है अगर मैं इसको पुनः सॉल्व करूँगा, इससे इसको डिवाइड कर दूँगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.66 × 10⁻²। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये पावर क्या हो जाएगी, -24 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप करेंगे बच्चों, इतना हो जाएगा बच्चों ये ग्राम। ठीक है, अब इस ग्राम को हमने किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.66 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, अब हमने इसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकालनी है। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, हम इसको निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो E इज इक्वल टू डेल्टा m C²। मैंने डेल्टा का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये बहुत कम क्या है बच्चों, अमाउंट है। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एम कितना है बच्चों, ये क्या है, बच्चों ए एम यू क्या है, डेल्टा एम है। तो 1.66 × 10⁻²⁷ × 3 × इसका स्क्वायर कर देंगे, 10⁻⁸ × 3 × 10⁻⁸। ठीक है बच्चों, आपने इतना कर दिया। देखिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 1.66 × 3 × 3 = 9 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों, 10⁻²⁷ × 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, 60। ठीक है बच्चों, अब जो है आपने इसको 1.66 × 9 × 10⁻³ कितना रह जाएगा बच्चों, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब जो है बच्चों आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 14.94। ठीक है, × 10⁻¹। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, सॉरी, इसी को हम लिख सकते हैं
इसको इसमें एक 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 10 पावर है, एक पावर है, तो ये पावर कम हो जाएगी, ठीक है। ये 1.4 1.4 9 4 9 4 इंटू 10 रेज टू पावर हो जाएगा -10 जूल, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका जूल में आ गया बच्चों। अब जो है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलना है बच्चों। तो यहाँ पर देखना है, लाल पेन से कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल बराबर, इसको इधर लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक जूल किसके बराबर हो जाएगा, एक जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जो है, हमको अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है बच्चों, तो हमको इस 1.6 × 10⁻¹⁹ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.4 9 4 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 931 × 10⁻¹⁵ इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ये देखिए बच्चों, इतना इलेक्ट्रॉन बोल्ट आ जाएगा। अब हम जानते हैं बच्चों कि एक मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 10⁻¹⁶ इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये आता है। तो यहाँ पर हम 10⁻⁶ की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, मिलियन बोल्ट लिख देंगे। तो हमारे पास डेल्टा ई कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा ई कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 931 मिलियन वोल्ट। तो बच्चों एक एएमयू से इतनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।